अपने 26 सूत्रीय मांग पत्र पर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम ना उठाए जाने के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने हमीरपुर बाजार में आक्रोश रैली निकाली और प्रदेश सरकार को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजा। हमीरपुर के गांधी चौक पर भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा की अगुवाई में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के रवैये पर रोष व्यक्त किया और चेतावनी दी कि यदि सरकार संघ की मांगों को नहीं मानती है तो संघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगा। भारतीय मजदूर संघ का कहना है कि संघ ने जुलाई महीने में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बनाए अपने 26 सूत्रीय मांग को तैयार करके प्रदेश सरकार के समक्ष रखा था और मुख्यमंत्री ने भी उस पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया था, मगर आज तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है, जिससे संघ के कार्यकर्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश के सबसे बड़े संघ होने के बावजूद सरकार ने उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाया है और मुख्यमंत्री के वायदे के बावजूद संघ के सुरेंद्र ठाकुर की भी ताजपोशी नहीं की गई। भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष तिलक राज शर्मा ने कहा कि संघ की आक्रोश रैली का मुख्य कारण प्रदेश सरकार के द्वारा उनकी मांगों को आज तक ना मानना है और प्रदेश सरकार ने उनके 26 सूत्रीय मांग पत्र पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार संघ की मांगों को नहीं मानती है तो संघ सड़कों पर उतर कर आंदोलन करने पर मजबूर होगा। यहाँ पे हमारा आज पूरे बाजार में रैली निकाल करके जिलाधीश के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन हमारा 26 सूत्रीय मांग पत्र के बारे में है, जो कि जुलाई माह में प्रदेश कार्य समिति ने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं एक महीने के बीच में जो है वो आपको वार्ता के लिए बुला लूँगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने चेष्टा नहीं की। जो श्रमिक संगठन सबसे बड़ा संगठन भारतवर्ष में सबसे बड़ा संगठन है, उसको वार्ता के लिए नहीं बुलाया। आज हमारी आक्रोश रैली जिसे हम संज्ञा देंगे, आज सभी वर्ग जो हैं वो आक्रोशित हैं और डीसी के माध्यम से जो है वो मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन दिया जा रहा है कि हमारी जो 26 सूत्रीय मांग पत्र है, 26 सूत्रीय मांग पत्र में हमारे सभी वर्ग आते हैं, असंगठित क्षेत्र, मिड डे मील, जो हमारे मठों में काम, न्यासों में काम कर रहे हैं, जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में लोग लगे हुए हैं, जो हमारे आउटसोर्सिंग में कॉन्ट्रैक्ट उनकी पॉलिसी का है, और जो हमारे जो प्रदेश के जो उन्होंने पहले नोटिफिकेशन मई महीने में की थी आदरणीय सुंदर ठाकरे जी की, उनको चेयरमैन बनाना, लेकिन उसको चेयरमैन ना बनाते हुए किसी श्रम मंत्री के जो बोर्ड के चेयरमैन को बना दिया, तो हमारा ये भी आक्रोश है कि एक सबसे बड़ा संगठन उसके प्रतिनिधि को उनका राइट बनता है, उनको आज दिन तक जो है वो श्रम भवन एवं निर्माण कामगार बोर्ड का चेयरमैन नहीं बनाया, इस करके भी हमारा सभी पूरे प्रदेश में आक्रोश है। और हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के जो भारतीय मजदूर संघ की टीम है, खंड स्तर से लेकर के जो भी चिन्हित लोग हैं, जिला के अध्यक्ष, मंत्री और पूरी प्रदेश की कार्य समिति, उनको बैठक के लिए तुरंत बुलाए, अन्यथा भारतीय मजदूर संघ जो है वो सड़कों के ऊपर उतर करके सरकार का घेराव भी करेगा, सचिवालय का घेराव भी करेगा। एच टुडे के लिए हमीरपुर से अश्विनी की रिपोर्ट।